वैसे तो भाई किसी की गाड़ी पे कैमरा नहीं मारना चाहिए वैसे, बट तो आज हम जा रहे हैं प्रिंस चौक प्रेमनगर से, अभी हम निकल रहे हैं। गाड़ी पे थोड़ा बहुत कुछ काम करवाना है, बाकी आगे आशीष चला रहा है और साथ में भैया बैठे हैं। तो भाई चूहे ने जो है थोड़ा प्रॉब्लम कर दिया गाड़ी में, तो उस हिसाब से जो है देखते हैं क्या। अब जो है भैया जो है आगे की राइड को जो है प्रिंस चौक तक पहुँचाएंगे। बाकी धूप बहुत तेज़ है आज, और तेज़ तो नहीं है पर 2 दिन के मुकाबले ठीक है आज, क्योंकि 2 दिन से बहुत ज़्यादा कोहरा जैसा लगा हुआ था, तो उस वजह से मौसम जो है ठंड का बहुत बढ़ गया था। और आशीष चश्मे तो दिखा। हाँ, अब भैया जो मैं है गाना आगे चलाऊं, स्पीकर फट गया यार। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। कहीं ना कहीं तो काटा ही है ना? तो भाई अभी जो है हम प्रिंस चौक पे पहुंच चुके हैं और साथ में भैया और आशीष। तो भाई अभी जो है स्पीकर वगैरह का काम करवा रहे भाई, और थोड़ा जो है चूहे ने काट लिया था, बाकी मास्क मूस इधर पहन के रखा हुआ आज बहुत है, क्योंकि वायरस वगैरह का मुझे लग रहा खतरा ज़्यादा है। इस चक्कर से मास्क सभी ने लगभग पहन रखा है यहाँ पे। बाकी देखते हैं आगे का क्या सा क्या सीन रहता है। तो बहुत सी गाड़ियाँ यहाँ पे आ रखी हैं आज। तो ये पूरा है भाई, जो चूहे ने जो है काट रखे हैं वायर, आप देख सकते हैं पूरी हालत कर रखी है, 5-7 वायर तो सब चिपक रखी है एक साथ। तो भाई ये हमने लिया है रेड अवे इस गाड़ी में, क्योंकि आपको पता है चूहे की वजह से हम आज यहाँ आए तो उसके लिए हमने ये ले रखा है। देखते हैं इसका है। हाँ, 490 रुपीज़ का है भाई ये। तो अब देखते हैं इसे भाई, इस गाड़ी के अंदर छिड़केंगे, बाकी देखते हैं। बजाते रहो। भाई तो हम जो है प्रिंस चौक जो है आ रखे हैं आज, तो यहाँ पे जो है गाड़ी वगैरह का बहुत जो है काम वगैरह होता है देहरादून के अंदर जो है, तो पूरा यहीं पे जो है काम वगैरह होता है। मैं आपको एक गाड़ी दिखाता हूँ, उसके अंदर आपको मतलब सीटें कवर देख के जो है मज़ा आ जाएगा। बगल में खड़ी हुई पोलो है, वोल्सवैगन पोलो, और इसकी जो सीटें हैं भाई ऐसे सोफे जैसी लग रही है, जैसे रजाई डाल रखी हो। तो मैं दिखाता हूँ आपको। वैसे तो भाई किसी की गाड़ी पे कैमरा नहीं मारना चाहिए वैसे, बट इसके अंदर देखो भाई सोफा है पूरा सीट कवर। अभी फ्रंट में भाई जो है एम्प की वायरिंग का काम चल रहा है, तो थोड़ा यहाँ से और बाकी ये वायर लगा रहे हैं हम, ठीक है। तो एम्प की वायर का काम चल रहा है अभी। एट गाउज भाई उसकी वायर लग रही है, एक फ्यूज लग चुका है एम्प के लिए। फाइनली अब जो है हम प्रेमनगर की तरफ जो है वापस निकल रहे हैं, और किशन नगर चौक की तरफ है हम अभी। और बाकी हम चूहे के लिए जो है पूरा उसका माल पानी जो है बंदोबस्त कर दिया है सब कुछ मुताबिक रहा प्लान के, तो कल चूहा जो है फंस जाएगा, आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा। और नहीं हुआ तो भाई कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आज हमने बहुत उसके चक्कर में बहुत वायरिंग जो है काट दी थी उसने, मैंने आपको दिखाई होगी वीडियो में। तो भाई अभी जो है हम शहर की तरफ से जो है आ चुके हैं, एंड अभी शाम का टाइम हो रहा है। बाकी अगर आप देखें सेटअप हमने क्या किया, हमने क्या करा, जो स्प्रे लाए थे ना हम चूहे वाला, तो हमने उसको जो है पहले पूरी गाड़ी के अंदर भी छिड़का है, और जहाँ जहाँ छुपने की जैसे जगह थी, और जहाँ उसने जैसे तार वगैरह काट रखी थी, बहुत जगहों पर तार काटी थी, स्पीकर काट रखा था, तो उन जगहों पर हमने उसे छिड़का।
एंड देन एक जो है चूहेदानी जो है लगा दी। हम पॉइजन भी डाल सकते थे भाई, बट उसका यार ठीक नहीं रहता है ना, चूहा मर जाएगा और गलत से कहीं फंस गया तो वो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, और प्लस उस ऐसा मारना भी क्या है हमने, इसलिए हमने कहा छोड़ ही देते हैं, और चूहेदानी लगा के हमने उसे रिलीज करने का जो है निर्णय ले रखा है। अब देखते हैं भाई, फंस जाएगा वो तो ठीक है, वरना फिर आगे के प्रोसेस तब देखना पड़ेगा भाई, कुछ और तरीका जो है अपनाना पड़ेगा। तो देखते हैं जो भी होगा रिजल्ट, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा। तो गाइज यार देख सकते हैं यार, आखिरकार चूहे की बलि का टाइम आ चुका है। ये उल्टा पूछ लेकिन ना कर भाई, तू बाय वाला तू इधर बाय वाला तो क्या हुआ यहां, मैं तुम्हें काट देगा तो हट, वो पता उसका पूंछ ही फटकता ना निकल जाता है बेटा। इतना तो तकलीफ सहनी पड़ी बड़े तेरे को, ढंग से बना उसकी वीडियो। ये है वो, ये है गाइज जिसने i10 का नाश किया था, आप देख सकते हैं इसकी पूंछ पर गिरे, देख सकते हैं गाइज बहुत कुतरा है इसने, बहुत ज्यादा इसकी पूंछ पर किया रहा है। अब तेरी तरफ भी आ सकता भाई है ना, नहीं आएगा उधर को जाएगा क्योंकि मुंह तो उतर सकता ना। देखिए इसकी पूंछ छूट चुकी है, ना ना वो ना, ना भाई घर ले जाए।